नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब जिस वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एक ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप? COOH। COOH समूह जो उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसके अंदर दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक है कार्बोनाइल और एक है OH जिसको कि हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। और इसको हमेशा हमने जब भी बोलना है हमने इसको एसिड्स के नाम से डेसिग्नेट करना है। कार्बोक्सिलिक मींस दिस ग्रुप, इसके साथ कुछ भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट जुड़ा रहेगा हम इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये ऑर्गेनिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये दो तरह में हम बोल सकते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक वो हुए जिनमें की कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है और कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, जबकि एरोमेटिक वो है जिनके अंदर एक रिंग है और एरोमेटिसिटी है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, एलिफैटिक हो गया CH3COOH और एरोमेटिक हो गया बेंजीन, ये रिंग है और इसके ऊपर लेकिन ग्रुप देखो कौन सा है COOH, इसमें देखो ग्रुप कौन सा है COOH। तो इस ग्रुप को जो भी इन भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलेंगे, ये एलिफैटिक और ये एरोमेटिक। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनके अंदर एक खासियत है कि इनके अंदर H जिसको बोलते हैं प्रोटॉन H प्लस को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। मतलब COOH हमेशा H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और COO नेगेटिव बनेगा, प्लस H प्लस। तो जो भी अमल जो एसिड्स के कैपेसिटी है, एसिड्स को डिफाइन करने की एक जो प्रॉपर्टी है कि वो कंपाउंड्स एसिड्स होते हैं जो कि H प्लस को दे सकते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स नहीं है, ये भी H प्लस को दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें या तो एक ग्रुप होगा या दो COOH ग्रुप होंगे या तीन COOH ग्रुप। एक वाले को हम बोलेंगे मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दो अगर हो गए तो हो गया डाई, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर तीन है तो बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर उदाहरण देना चाहे मानो का, जैसे कि अभी मैंने आपको दिया एसिटिक एसिड CH3COOH, एक ग्रुप COH और हम इसको मानो बोलेंगे। डाई का मतलब है इसमें दो होने चाहिए, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड COH, इसमें दो है। ऐसे ही सिट्रिक एसिड जिसमें कि तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाएंगे, मतलब कौन सा ग्रुप इंपॉर्टेंट है COOH ग्रुप, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन। अब हम इसको कैसे नॉमनक्लेट करें, हम इसको बोलें कैसे,
कोई तो तरीका होगा इसको बोलने का, इसको समझाने का। मैंने तो जनरल बता दिया ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन इसको क्लासिफाई, इसको नॉमनक्लेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कॉमन और दूसरा तरीका है एलोपैक। कॉमन का मतलब हुआ हम कॉमन, साधारणता, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड है। और एक होगा जो एक केमिकल बेस्ड, केमिकल के हिसाब से, केमिकलों का उदाहरण देते एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्रचलित है कि इसको हमने इस नॉमनक्लेचर, इस हिसाब से नाम देना है। ऐसे नहीं बोलना है कि जैसे घर का नाम हो गया राजू और आपका बाहर का नाम हो गया राजेश, वैसे ही हमने कंपाउंड्स को भी डिजिग्नेट किया है। एक हो गया कॉमन नेम, एक हो गया आयुपिक नेम, टेक्निकल नेम जिसको बोलते हैं। अब कॉमन नेम कैसे बोलते हैं, जिस भी सोर्स से एसिड निकला, ये कंपाउंड निकला, उसी सोर्स के नाम से हम बोल देते हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ये निकला है फॉर्मिका, फॉर्मिका का मतलब होता है एंट, चींटी, चींटी में जो एसिड पाया जाता है वो है फॉर्मिक एसिड। क्योंकि ये फॉर्मिका से निकला तो इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा। ऐसे ही एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये निकलता है एसीटम, वेनेगर, वेनेगर से निकलता है, तो हमने इसका नाम दे दिया एसिटिक एसिड। एक और एग्जांपल, नाम तो सुना है आपने, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड निकला है बटर से, बटर में जो एसिड पाया जाता है थोड़ी थोड़ी, कई बार क्या होता है काफी स्लाइम हम बटर को रखते हैं वो स्मेल करने लग जाता है, उसमें जो निकलता है वो कंपाउंड होता है ब्यूटेरिक एसिड। क्योंकि ये बटर से निकलता है इसलिए इसका नाम हमने ब्यूटेरिक एसिड हुआ। तो कॉमन नेम्स कौन से हुए, कॉमन नेम्स हुए वो जो जिस भी स्रोत से वो निकले हैं, जिस सोर्स से निकले हमने उनका वो नाम दे दिया। लेकिन जो एक्चुअल नेम है, क्लासिफिकेशन है, नॉमनक्लेचर का पैटर्न है, वो है आयुपैक। आयुपैक नेम के हिसाब से हमने इसका नाम देना है एल्कोनिक एसिड। हम इसको बोलते हैं एल्कोनिक एसिड। हमेशा कंपाउंड को एंड करना है ओइक एसिड। अगर हमने कंपाउंड का नाम लेना है, हमने क्या नाम देना है एंड में, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। मींस एंड किससे होगा, ओइक एसिड, मतलब जब अभी वर्ड ओइक यूज हुआ मतलब कि उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ये इसका टेक्निकल और कॉमन तरीका है बताने का। अब है हमारे पास HCOH, आपको अभी मैंने नाम बताया कॉमन नेम से फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये एंड से निकला है, फॉर्मिका से निकला है। लेकिन आयुपिक नेम है इसका, इसमें कितने कार्बन है, वन। और मीथेन में कितने होते हैं, CH4, मीथेन, कितने कार्बन, वन। तो नाम कहेंगे इसका मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इथेन में कितने होते हैं, दो। एंड लाइकवाइज आप सीरीज बढ़ाते जाओगे, CH3, CH2, COH, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आपका कंपाउंड का नाम बदलता जाएगा। अभी मैं बताती हूँ आपको कुछ और एग्जाम्पल जो बड़ी बड़ी हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम में और वो होता क्या है आयुपैक के नेम। चलिए अब हम देखते हैं 5CH3CH2CH2CH2COH, कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार। कहां पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड पे। वर्ड क्या आना है, ओइक एसिड। कितने कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसको बोलेंगे हम पेंटेनोइक एसिड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और पेंट एन वन ओइक एसिड, क्योंकि कई बार क्या होगा, ये एसिड जरूरी नहीं है पहली ही पोजीशन पे आए, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो
तो हमें उसका नाम देना है। नंबर दो पे है, नंबर तीन पे है, नंबर चार पे है, तो हमने लिखा पेंट वन ओइक एसिड, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहाँ है, लास्ट में है। सो ये है इसका एक तरीका। इसका कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, पांच हो गए तो पेंट, छह हो गए तो हेक्स, सात हो गए तो आ, एंड सो ऑन हम चलाते जाएंगे। कॉमन नेम डिफरेंट, छह वाले को, इसको पांच को हम वैलेरिक बोलते हैं, छह को हम कैप्रिक, ठीक है, कैप्रोइक, कैप्रोइक, फिर कैप्रोलिक, लॉरिक, मायरिस्टिक, पामेटिक, स्टिरिक, ये कॉमन एसिड्स है, कॉमन नेम है इनका। और तो जनरल फॉर्मूला अगर हमने बताना है इसका, तो क्या होगा, आर सी ओ ओ एच, सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ ओ एच, ये इसका कॉमन फॉर्मूला हो गया। ये है एलिफेटिक, लेकिन हमारे पास एरोमेटिक एसिड्स भी होते हैं, उनको कैसे नाम देना है, अभी मैं एक एरोमेटिक एसिड की एग्जांपल देती हूँ। सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब हुआ एक तो उसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी है और एक उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक का मीनिंग होता है जिसमें रेजोनेंस है, खुशबूदार। एरोमेटिक, एरोमा मतलब होता है खुशबू, एरोमेटिक एसिड का मतलब हुआ खुशबूदार एसिड। लेकिन खुशबूदार तो कॉमन सी बात होगी, हमें जब हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, केमिस्ट्री के एंगल से देखेंगे, तो हमें क्या देना है, टेक्निकल बात बतानी। तो टेक्निकल बात कहती है इसमें एक रिंग होता है और ये जो मैंने अंदर एक डाला है अभी तक जानते ही होंगे, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये एरोमेटिक करेक्टर दे देता है, एरोमेटिक है। और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन से ही नाम ड्राइव्ड है, हो गया बेन। अब मैंने क्या वर्ड बोला है, बेंजोइक। आपको क्या वर्ड यूज करना है, ओइक। बेंज मैंने इसके साथ बेंज जुड़ा है, ओइक मैंने इसके साथ COH जुड़ा है। आगे इसको नाम देना होगा, तो हम इसको अगर आयुपैक के नाम से करेंगे, हम इसको बोलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। जब तक वन नहीं है, बेंजीन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये भी वन हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन जब हमने इसमें एक ग्रुप लगा दिया, COH ग्रुप को लगा दिया, तो क्या हो गया, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये है वन। आप अगर यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, हम उसका नाम देख सकते हैं। कॉमन में हम क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल उसके विसिनिटी में है उसको ऑर्थो, उसके बाद मेटा, इसके बाद पैरा। मतलब ये है COOH, ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। और अगर हमने आयुपे के हिसाब से बोलना है, तो हम बोलेंगे COH, ये है वन टू थ्री फोर फाइव, हम नाम देंगे। सपोज यहां पर मैंने क्लोरीन ग्रुप को जोड़ दिया, तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर मैंने बोला वन क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, बिकॉज दिस इज आयुपैक नेम, ठीक हो गया। सो ये है इसकी विशेषता, ये है विशेषता। किनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उन कंपाउंड्स को जिनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, COOH, इस ग्रुप को, इस समूह को, COOH ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसके दो तरह है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक हो गया जिसमें ओपन चेन श्रृंखला कार्बन के अंश जुड़े हैं, और एरोमेटिक हो गया जिसमें रिंग है और रेजोनेंस है। खाली रिंग नहीं, रेजोनेंस भी है। खाली रिंग का तो मतलब है साइक्लिक कंपाउंड्स भी, वो नहीं, जिनमें रिंग भी जुड़ी होती है। तो मैंने तरीके बता दिए आपको, हम इनको दो तरीके से बता सकते हैं, आयुपैक के नाम से बता सकते हैं, हम इसको कॉमन नेम से बता सकते हैं। लेकिन जो जनरल में यूज करना है, जो हमें टेक्निकल वे में जाना है, केमिस्ट्री की भाषा में अगर उसको हमने इसके उदाहरण देने हैं, तो हमें आयुपैक नाम को ही यूज करना होगा। कॉमन नेम का मतलब है जिस भी सोर्स में से ये निकला हमने वो नाम दे दिया, लेकिन आयुपैक का मतलब है ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। आप एकदम केमिकल स्ट्रक्चर से पहचान पाओगे
एसिटिक एसिड से हम नहीं कह सकते इसमें दो कार्बन है, लेकिन अगर मैंने बोला इथेनोइक एसिड तो एट वंस हमारे दिमाग में क्या आएगा, इथेन मतलब दो, ओइक मतलब एसिड, मतलब COH ग्रुप, तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इनको बनाने की कोई विधि है, कैसे बनाएंगे, इनको बनाना है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम इनको बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें बस जो नेचुरल से मिलता है, जैसे मैंने बताया एंड से मिल रहा है तो हमने एंड से निकाल लिया, लेकिन हम इसको बना भी सकते हैं। सोर्स तो नेचुरल सोर्स है तो बहुत चीजें कम निकलती हैं, हमको उसको बनाना है, हमने देखना है कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। हम बोलते हैं उनको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कोई नाम नहीं दिया मैंने कि हम फॉर्मिक एसिड बना रहे हैं या हम एसिटिक एसिड बना रहे हैं, जनरल, जनरल का मतलब हो गया RCOOH। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें बनाना है तो हमारे लिए उसके पास जनरल मेथड्स हैं, जनरल तरीके हैं, हम कैसे बनाएं, किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में को कन्वर्ट कर सकें एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले तो मैं सारे मेथड बताती हूँ, बहुत सारे मेथड हैं, मैं वो मेथड्स लिखती हूँ। पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसको नोट भी करते रहो, एंड एल्डिहाइड्स। दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ, फिर मैं एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। तीसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, या हम उनको नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, नाइट्राइल्स। पोटेशियम साइनाइड नाम सुना है, साइनाइड CN ग्रुप, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब भी बनता है। फिर मैं बताती हूं और तीन चार मेथड इसको बनाने के, हाइड्रोलिसिस ऑफ, फोर्थ मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, अमाइड्स। ठीक हो गया, फिर है हम इसको बना सकते हैं RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिया से, की रिएक्शन से, ठोस क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन के साथ। फिर हो गया डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, ऑलरेडी एसिड्स हैं, जैसे कि किसी में दो ग्रुप है, हमें एक ही चाहिए, उसको हम उसमें से एक ग्रुप को हटा देंगे, तो डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक हो गया, तो ये सारी कुछ विधियां हैं जिससे हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे, एल्कोहल क्या है वो समझेंगे, और एल्डिहाइड की टोन क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो पहली विधि है हमारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण, हिंदी में जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना, जमा होना। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, हम उस कंपाउंड को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का क्या मतलब हो गया कि हम एल्कोहल में ऑक्सीजन को डाल रहे हैं, और एल्कोहल क्या होता है, ROH, R तो मैंने बताया जनरल टर्म है, CH3, CH2, किसी भी ओपन चेन कंपाउंड को हम R कहते हैं। अब
इस कंपाउंड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है? इसमें ROH है, इसमें RCOH है, तो क्या चीज ऐड हो रहा है? OH तो पहले से था, R भी था, आप इसमें ये ग्रुप को एडिशन कर रहे हो, क्या ग्रुप? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हम कर रहे हैं? एल्कोहल की, चाहे वो एल्कोहल प्राइमरी है, एक डिग्री है, दो डिग्री है, तीन डिग्री है, कोई भी एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें एसिड मिलना चाहिए। एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किससे करें? ये आसान तो नहीं है, हमें आसानी से तो नहीं है ना, हमने एल्कोहल लिया और वो एसिड बन गया, नहीं, हमें कुछ रिएजेंट डालना है, कुछ एजेंट डालना है जो इस प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे, है ना। तो हमें कौन सा रिएजेंट डालना है जो इस ऑक्सीडेशन की प्रतिक्रिया को बढ़ा दे ताकि हमारा कंपाउंड बन जाए? तो हमें यूज करना पड़ता है पोटेशियम ड्राइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है? ये बोलता है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसको अगर हमने ऑक्सीजन के सामने ट्रीट किया, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई, मगर कैसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने में, सो दैट ये जो आपका एल्कोहल था ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ये एल्कोहल एसिड में बन जाए। लेकिन होता क्या है, एल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनता है फिर एसिड बनता है, ये क्या बात है? ये क्या बात है कि एल्कोहल पहले एल्डिहाइड? मैंने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अगर हमने लिया RCH2OH, कौन सा एल्कोहल है ये? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्यों है? ये नहीं कि इसमें एक OH है, इसमें न्यूनतम दो हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जिनको हम बदल सकते हैं, OH से, Cl से, किसी भी चीज से रिप्लेसेबल दो हाइड्रोजन है तो हम इसको प्राइमरी बोलते हैं। अगर एक है हम इसको सेकेंडरी बोलते हैं, अगर कोई भी नहीं है तो हम इसको टर्शियरी। देखो एक हाइड्रोजन, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ दो है, और अगर हमारे पास CH3OH हो जाए, ये भी प्राइमरी है क्योंकि मैंने बोला न्यूनतम दो, इसमें तो तीन है, तभी भी ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, इसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, ये आपको पता भी होगा। बट ये एल्कोहल को सीधे ही एसिड नहीं बनता है, सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एल्कोहल एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, आगे और उस प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, रिएक्शन को, तो क्या बनाता है? ये देखिए, ये बना RCHO, फर्दर ऑक्सीडेशन बन गया RCOOH। तो अगर हम एल्डिहाइड ले, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाले, तभी भी एसिड बनेगा, और अगर हम एल्कोहल ले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट डाले तो क्या होगा, यहीं पर रिएक्शन नहीं रुकेगी, हमको वो आगे भी ले जाना है, इतना ही नहीं डालना है ताकि ये खाली एल्डिहाइड बने। एल्डिहाइड का मतलब होता है अल, क्या वर्ड यूज करना है? अल। एल्डिहाइड के लिए हमेशा वर्ड यूज होगा एल, जैसे अभी आपको मैंने एसिड के लिए बताया ओइक, एल्डिहाइड के लिए अल, एसिटल्डिहाइड अल, है ना, एसिटल्डिहाइड या मिथेनल, 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 मिथेनल का मतलब हो गया मीथेन और साथ में एल मतलब एचओ, एच सी एचओ, तो उसको अगर हम फर्दर पहले और ऑक्सीडेशन की प्रतिक्रिया को बढ़ाएं तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण एल्कोहल्स का और एल्डिहाइड्स का। अगर हम एल्डिहाइड से करें तो एक ही मॉलिक्यूल लेना है, और अगर हम एल्कोहल से करें तो दो मॉलिक्यूल लेना है, ठीक हो गया। दूसरा जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। अब आपको ऑक्सीडेशन तो समझ आ ही गई, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करना, एल्काइल बेंजीन का क्या मतलब है? देखिए ये तो बेंजीन है और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? कोई भी R, चाहे ये मिथाइल ले लो, चाहे ये इथाइल ले लो, चाहे कितनी भी लंबी कार्बन चेन ले लो, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करें तो ये हमें
कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा, COOH, इसका भी COOH, चाहे यहां पर दो कार्बन थे यहां पर एक ही था, लेकिन एंड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां मैं कुछ भी जोड़ दूं, एक कार्बन दो कार्बन दस कार्बन, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा COOH। लेकिन इसको करने की विधि क्या है, इसको भी हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, कोई एक एजेंट जो हमारी इस प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाए, हमें मदद करे कि हम इसमें ऑक्सीजन डालें। अब हम क्या यूज करते हैं, हम डालते हैं, चलिए मैं आर लिखती हूं, एल्कलाइन, समझते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4, क्या मतलब हुआ, एल्कलाइन मतलब खारी, और पोटेशियम परमैंगनेट क्या कन्वर्ट कर देगा इसको COOH बना देगा। तो आपने एलिफैटिक भी बनाना है, हम KMnO4 से भी बना, उससे जो भी मैंने पहले बताया पोटेशियम डाइक्रोमेट से बना सकते हैं, हमने एरोमेटिक का बनाना है, तो हम बड़े आराम से KMnO4, एल्कलाइन का मतलब है ये इसके साथ एल्कलाइन कंडीशंस होनी चाहिए, बेस डलना चाहिए, तो ये एल्कलाइन KMnO4 तीन तरीके का होता है, एल्कलाइन भी होता है, एसिडिक भी होता है, और बेसिक भी होता है। बेसिक का मतलब है बेसिक कंडीशंस, एसिडिक का मतलब है एसिड कंडीशन, कहीं पर एच प्लस होगा तो एसिडिक हो गया, OH नेगेटिव होगा तो बेसिक हो गया, और न्यूट्रल हुआ तो मतलब वो न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं उसके पास ना एसिड मीडियम है ना उसके पास बेस मीडियम है, पर हमें यहां क्या चाहिए, KMnO4 कौन सा, जो एल्कलाइन है, और वो क्या करेगा इस R को बदल डालेगा COH में, बदलने को ये जो बेंजीन है इसको AR बोलते हैं, ये भी हो सकता था, लेकिन हम थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जो इसको तो छोड़ दे मगर इस एलिफेटिक वाले ग्रुप को COH में बदलते हैं। ठीक है, अब है हमारा तीसरा मेथड जो है साइनाइड्स को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें। अब हाइड्रोलिसिस जानते हैं क्या होता है, पहले मैं हाइड्रोलिसिस लिखती हूं फिर बताती हूं कैसे करना है मेथड में। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, ये हाइड्रोलिसिस एक कॉमन है, साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, ये हाइड्रोलिसिस एक किसको बोलते हैं, जल का एडिशन, वाटर H2O अपघटन, आप जल को उस चीज में ऐड कर रहे हो, जमा कर रहे हो, डाल रहे हो, और उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वो क्या करता है, डालने के बाद वो कंपाउंड को क्या करता है वो बाद की बात है, वो दो हिस्सों में बटेगा, एक में बटेगा, मगर हम क्या कर रहे हैं, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, पानी से, हम हाइड्रोलिसिस डाल रहे हैं, हम पानी ऐड कर रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल H2O, है ना, चाहे हम साइनाइड में डालें, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम एस्टर में डालेंगे, हम एसिड क्लोराइड में डालेंगे, हम एमाइड में डालेंगे, डालेंगे क्या, वाटर, H2O से उसका इंटरेक्शन, H2O से वो इंटरेक्ट करेगा और वो कंपाउंड को बना देगा एसिड, लेकिन मैंने किसका लिखा, साइनाइड। साइनाइड क्या वर्ड होता है, क्या चीज है साइनाइड, कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम साइनाइड बोलते हैं, C(NN). मैंने जैसे बोला आपको KCN का नाम सुना है, पोटेशियम साइनाइड ग्रेटेस्ट पॉइजन, क्या है उसमें वर्ड, कौन सा ग्रुप है, CN। ये सारे ग्रुप्स जो है ये आपको कोई ना कोई मदद करते हैं कोई नई चीज बनाने में। तो साइनाइड्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड। अब ये हाइड्रोलिसिस भी एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक सकती है। अब ये एसिडिक का क्या मतलब हुआ, मैंने बताया अभी आपको, एसिडिक का मतलब है अगर उसके साथ आपने कोई एसिड भी डाल रखा है, उसका जो मीडियम है उसमें क्या फ्लोट कर रहा है, क्या तैर रहा है, क्या है उस मीडियम में, एसिड्स क्या होते हैं, जो H प्लस को डोनेट कर सके, से HCl क्या करेगा, H प्लस, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स है, क्या करेंगे, H प्लस, वो ऑर्गेनिक एसिड्स है जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड है, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है, तो क्या डोनेट करते हैं, ये H प्लस। तो मैं क्या बता रही हूं, हाइड्रोलिसिस किसकी, साइनाइड्स की, किस मीडियम में, किस माध्यम से, एसिडिक भी और बेसिक भी, चाहे तुम उस वाटर में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालो, चाहे तुम उस वाटर में थोड़ा सा उस वाटर के साथ NaOH डालो, पर रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक। तो क्या लिखना है, हमने
हमारे पास कोई भी एसिड, से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एरोमेटिक लिख सकती हूँ बेंजाइल साइनाइड, इसको हमने क्या किया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस एसिडिक और बेसिक कोई भी मीडियम हम कर सकते हैं तो बनेगा क्या एसिड। आप कोई भी ले लो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस इज बेंजोइल साइनाइड, दिस इज एसिटाइल मिथाइल साइनाइड, इसमें फिर वही डाला हमने, क्या डाला हमने हाइड्रोलिसिस किया हमने, मींस वाटर, एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन, और रिजल्ट इज योर CH3COOH, तो हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया। किसका हाइड्रोलिसिस है ये? ये है हाइड्रोलिसिस साइनाइड्स का, ये एक विधि है इसको बनाने, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें मैंने बताया हाइड्रोलिसिस एस्टर्स, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, ये हुआ कैसे, ये तो जनरल रिएक्शन है, उसमें किस विधि से हुआ, कैसे काम करता है, एसिडिक मीडियम कैसे हेल्प करता है और बेसिक मीडियम कैसे हेल्प करता है, क्या है आप नेक्स्ट मेथड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सबसे पहले तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि एस्टर ग्रुप क्या है, किस चीज को हम एस्टर कहते हैं। सो कोई भी ग्रुप, कौन सा ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, अभी आपने क्या पढ़ा सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो था ओइक एसिड, ठीक है, मैंने एच को किससे बदल दिया आर से, तो बन गया एस्टर, और ये हमेशा यूज होते हैं और एट वर्ड से एंड होते हैं, ये किससे एंड होता है ओइक एसिड, ये एंड होता है एट वर्ड से, इसको हम बोलते हैं एस्टर, इस पर्टिकुलर ग्रुप को सी ओ ओ ओ, इसको हम बोलते हैं एस्टर। किसी भी एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो क्या है एसिड। हम ऑक्सा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड बना सकते हैं किसी भी एस्टर से, हाइड्रोलिसिस करनी है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा एसिड। अब मैं पहले रिएक्शन लिखती हूँ, फिर आप समझ पाओगे क्या। ये है हमारा एस्टर, कोई भी एस्टर, आर मैंने बता दिया आपको, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कुछ भी, प्रोपाइल एनीथिंग, ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब ये आर मिथाइल है तो ये इथाइल हो सकता है, ये आर मिथाइल है ये भी मिथाइल हो सकता है, कोई भी, ये जर्नल है, जर्नल बात है, जैसे हम कहेंगे लड़कियां तो पर्टिकुलर नाम नहीं लेना है, तो ये क्या है जर्नल एस्टर है, इसको हमने हाइड्रोलिसिस करनी है एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, तो क्या रिजल्ट होगा हमारे पास एसिड प्लस एल्कोहल। पहले मैं एसिडिक मीडियम का बताती हूं, तो क्या बनता है हमारे पास, ये हमारे पास था एस्टर, इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, अब देखिए इसमें कैसे ऐड होता है, ये है हमने क्या करना है यहाँ H और यहाँ OH, वाटर कैसे होता है H प्लस और OH नेगेटिव, अभी मैकेनिज्म बताएंगे, पहले देखिए R डैश OH और R COOH बन गया एसिड, ये बन गया एसिड, ये बन गया एल्कोहल, ठीक है, ये हो गया अगर हम एसिडिक मीडिया से करते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक मीडियम करते हैं बनता तो वही है लेकिन इसका सोडियम सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होगा वो क्या करता है आर सी ओ ओ नेगेटिव, मैंने बताया ये एच प्लस को डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, बगल में उसके सोडियम है, जिसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन वो उसके ऊपर ऐड हो जाता है, तो बन जाता है आर सी ओ ओ एन ए। तो बेसिक मीडियम में हमें सोडियम सॉल्ट मिलता है, देखिए अगर हम एसिडिक मीडियम से करते हैं तो हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलता है। अब एक इतनी अच्छी इसकी खूबसूरती देखिए, ये जो है क्या है एसिड और एल्कोहल, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा एस्टर, मतलब इसी रिएक्शन का उल्टा उसकी उत्पत्ति, अगर हमें एस्टर्स बनाने हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, ये एसिड लिया उसमें एल्कोहल डाला, थोड़ा सा एसिड डाला उसके मीडियम में हमारे पास एस्टर बन गया, तो ये रिवर्सिबल है, मतलब एस्टर को हाइड्रोलिसिस करें तो हमें अल्कोहल और एसिड मिला, दोनों को ऐड करा कंबाइन करा वाटर को निकाल दिया तो हमारे को एस्टर मिल गया। अब
ये तो मैंने बहुत आसानी से एक रिएक्शन लिख दी, ये ऐसे हो गया, लेकिन ये होता कैसे है, इस मीडियम में किस तरीके से ये काम करता है, कौन किसको धक्का देता है, कौन उसकी जगह आता है, उस तरीके को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। किस तरीके से, किस रास्ते से, अभी आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कहीं गए, आप जिस रास्ते से जाते हो घर से कॉलेज, तो मतलब पता तो चल ही गया घर से कॉलेज, लेकिन किस रास्ते से जाते हैं, रास्ते में क्या क्या है, उसको हम पाथवे बोलते हैं, उस पाथवे में। और रिएक्टेंट हमने ए लिया और बन गया बी, और डाला हुआ था हमने से सी, मतलब ए में हमने सी डाला और बन गया बी, लेकिन ये सी कर क्या रहा है, ये ए को बी बनाए, और किस तरीके से कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपके जो सिलेबस है उसमें ये है कि इसका आपको पता होना चाहिए, पाथवे कैसे होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस एस्टर्स की कैसे होती, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये विधि है ये बनाने की एसिड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, और इसीलिए इसके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए, और वो विशेष जानकारी क्या है, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब करते हैं मैकेनिज्म। देखिए अब हमारे पास क्या है, ग्रुप आर सी ओ ओ एच, मैंने बताया हमने डालना है पानी, वॉटर H2O, कब डालना है, कैसे डालना है, एसिडिक मीडियम में। पहले हम करते हैं एसिड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एस्टर्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब हमने क्या किया, हमारे पास है एसिड, एसिड का मतलब है कोई भी, सल्फ्यूरिक होगा, HCl होगा, कोई भी एसिडिक मीडियम है, हम उसमें क्या उसका रोल है, वो H+ को दे सकता है, ये H+ दे सकता है, मगर ये जाएगा कहां, वही और कैसे एक्ट करेगा, इसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। पहले मैं ये लिख लेती हूं, फिर मैं आपको समझाती हूं। पहले इतना समझिए, फिर हम आगे करते हैं। अब क्या है, ये है हमारे पास H+, यहां है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो जानते हैं, ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फालतू है, ये कहता है मैं ये किसी को दे सकता हूं, लेकिन एच के पास क्या है, एच क्या होता है, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन का मतलब होता है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको तो चाहिए, वो क्या करता है, वो कहता है मैं इस ऑक्सीजन, कहता है मेरे पास है, हम बॉन्ड करते हैं, तो क्या कर दिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक एच का होना चाहिए, तब बनेगा OH, ऑक्सीजन ने एक शेयर किया, एच ने एक शेयर किया, लेकिन एच के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एच के साथ शेयर कर रहा है, तो बन जाता है OH, एच इसमें ऐड हो गया, लेकिन जो भी स्पीशी, जो भी चीज, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो ये कौन सा चार्ज मैंने डाल दिया, प्लस, तो मतलब ये हो गया O+H। अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी तो है नहीं प्लस रखने की, लेकिन फिर भी उसने अपना इसको H दे दी। अब क्या हुआ, वाटर है, वाटर क्या होता है, H+OH, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और ये कहता है मैं ये इस पे ऐड कर सकता हूं। अब यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास तो प्लस चार्ज आ गया, ये वाटर के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है, वो इस सी को इलेक्ट्रॉन देगा और ये पोलराइज होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन का क्या करेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्टर है, उसका एक, उसको एक अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, अगर जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखे वो ट्राई करता है, कोशिश करता है ये मेरी तरफ रहे, तो ऑक्सीजन ने इसको तो दे दिया, लेकिन इसके पास तो कम हो गए इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे वापस ले रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे वापस न्यूट्रल, और यहां क्या है, OH है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाता हूं,
अब इसने क्या किया, ये तो न्यूट्रल हो गया OH, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और बाकी स्पीशी वैसी की वैसी है, ठीक है। अब देखो इसने कहा मेरे पे तो प्लस है, मुझे अपने आप को न्यूट्रल करना है, इसने एक एच प्लस को वापस कर दिया, निकाल दिया और खुद स्टेबल हो गया, ठीक हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो क्या हो गया, आर सी ओ एच ओ एच एन ओ आर डैश। लेकिन इससे हमारी कहानी खत्म नहीं होगी, हमें तो बनाना है एसिड, हमें क्या करना है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब हमारे हमारे को क्या होना चाहिए, हमें इंट्रोडक्शन करनी है COOH, तो हमें वो चीज इसमें पैदा करनी है। कैसे हो सकती है, देखिए अब क्या होगा, अब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इस H से फिर से इलेक्ट्रॉन ले लिए वापस और इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो बना क्या, देखिए RCO नेगेटिव और पॉजिटिव OH और ये OR जो है नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आ गया, दिस इज OR नेगेटिव बाहर। अब देखो क्या हुआ, H प्लस निकल गया, साथ के साथ क्या निकला, OR नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, ROH बन गया इनका एल्कोहल। अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, कार्बन के पास प्लस, दोनों ने मिलके क्या किया, आपस में बॉन्ड बनाया, बन गया RCH। ये है विधि बनाने की, ये है विधि इसको बनाने की, किस मीडियम से, एसिड मीडियम से। हुआ क्या, पहले H को दिया फिर H को निकाल दिया और अल्टीमेटली नेट रिजल्ट जो था वो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ के साथ एल्कोहल। अब मैं स्टेप वाइज आपको लिखती हूँ, ये तो समझाने के लिए था, मैं अब स्टेप वाइज लिखूंगी आपको और क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, इस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसकी सारी जो मैकेनिज्म है आपको पता होना चाहिए कि कैसे हुआ। देखिए फिर से हम लिख रहे हैं RCOR-H+ नेक्स्ट H2O, ये दे रहा है हमें RCOH, OH2 पॉजिटिव और OR- नेक्स्ट H+ ये दे रहा है हमें RCOH, OH और OR- नेक्स्ट में -R-OH और हमें मिल गया RCOH। तो नेट रिजल्ट क्या है रिएक्शन का, RCOOH+R-OH, ये है एसिडिक तरीके से। सो स्टेप 1, 2, 3 और 4, फोर्थ में हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो देखिए बच्चों आज हमने क्या पढ़ना की कोशिश की, क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मैं थोड़ा सा उसको आपको एक समरी बता देती हूँ, एक क्या है इसका संक्षिप्त में क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं बच्चों जिनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, COOH, इस ग्रुप को हम, इस समूह को हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो मैंने बताया ये मोनो कार्बोक्सिलिक होते हैं, ये डाई भी होते हैं और ट्राई भी होते हैं, मतलब एक कंपाउंड में अगर एक COOH ग्रुप है तो हम मोनो बोलेंगे, दो है तो हम डाई बोलेंगे, तीन है तो हम ट्राई बोलेंगे। ये एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। एलिफेटिक का मतलब है अगर ये ओपन चेन टाइप में हो और एरोमेटिक का मतलब है अगर इसके साथ बेंजीन जैसी भी हो। फिर मैंने बताया इनको नाम कैसे दें, हम नाम देने के दो तरीके हैं, एक कॉमन तरीका और एक आयुपैक। जो टेक्निकल तरीका है वो आयुपैक है, ये कॉमन है जो हम कॉमनली बात करते हैं, कॉमनली भाषा में जो यूज करते हैं आम भाषा में वो है। इसमें मैंने बताया जो सोर्स है जिससे हम निकालते हैं हम उसी का नाम देते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल एक दी फॉर्मिक एसिड की, ये एंट से निकलता है जिसका नाम है फॉर्मिका, तो हमने इसका नाम कर दिया फॉर्मिक एसिड। बटर से निकलता है तो नाम कर दिया बिटरिक एसिड। लेकिन आयुपैक में हमने क्या करना है, हम इसको बोलते हैं एल्कोनिक एसिड। तो हमें उसमें वर्ड कौन सा यूज करना है, ओइक
हमेशा उसको एंड करना है कोइक से. 5 कार्बन है तो पेंटेओइक, 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक. अब वो कहां पर है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, हमने उसको बताना है. ऑर्गेनिक एसिड्स है तो हमें सीधा बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने बता दिया बेंजोइक एसिड. ओइक एसिड तो हमेशा ही यूज होगा वर्ड ओइक एसिड, ठीक है. ये तो इसको कॉमन इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसको बनाने की बहुत सारी विधियां हैं. तो मैंने आपको बहुत सारी विधियां बताई. एक विधि है, 7 इसके मेथड्स हैं, लेकिन पहली मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन. किसका, एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स का, है ना. पहले मैं आपको, मैंने जो समअप कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कौन कौन से मेथड है. हमने बताए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. इसमें हमने बताया आपको हम किसी रिएजेंट के मदद से एल्कोहल को पहले बना देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, उससे एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड में फिर से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड, ठीक है. दूसरा मैंने आपको मेथड बताया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स. क्या होते हैं एल्काइल बेंजीन्स, इसके ऊपर R होता है, इसमें हमने डालना है KMnO4. कौन सा KMnO4, एल्काइन KMnO4, जिसमें कि OH हो, NaOH ग्रुप हो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर एसिड में बन जाता है. तो ये दूसरी विधि है इसको बनाने में. तीसरी विधि मैंने आपको बताई हाइड्रोलिसिस की विधि. किसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या मैंने बताया, पानी का एडिशन, एडिशन करना है ताकि वो उसको उस मॉलिक्यूल में वो खप जाए. कैसे खपे, उसके तरीके हैं, या तो हम एसिड की विधि डालते हैं या हम बेस की विधि डालते हैं. तो मैंने आपको बताया ऑक्सी किसका हमने हाइड्रोलिसिस करना है, बहुत सारे मेथड है. पहला मेथड था साइनाइड्स का. साइनाइड्स का मतलब होता है जिसमें C(NN) ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि RC(NN). इसकी अगर हमने हाइड्रोलिसिस करी एसिडिक या बेसिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O के साथ, तो ये बन जाएगा RCOOH. तो हमारा मकसद तो क्या है, हमें तो RCOH ही बनाना है. हम किससे बना रहे हैं, नाइट्राइल से, ठीक है. ऐसे ही मैंने आपको बताया एस्टर, एस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है. एस्टर क्या ग्रुप होता है, COOR-COOR, ये वाले ग्रुप को हम एस्टर बोलते हैं. इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं, किस मीडिया में, या तो एसिडिक या बेसिक. और हमारे को जो एंड रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है, एसिड और एल्कोहल का, ठीक है. एसिड भी मिल गया और एल्कोहल, मतलब यहाँ पर OH ऐड हो गया, यहाँ पर H ऐड हो गया. ये एसिडिक मीडिया में भी होता है और ये बेसिक मीडिया में होता है. इस पे मैंने आपको बोला विशेष ध्यान देने को, क्योंकि इसमें तुम्हें इसकी वो भी जाननी है, किस रूट से हुआ, किस तरीके से हुआ, ये H+ क्या कर रहा है, ये OH क्या कर रहा है, ये वाटर का क्या काम है, वो पूरा जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको पहले पूरा बता दिया. कैसे H+ आता है, कैसे OR को धक्का देके बाहर निकाला जाता है, हमारे पास एसिड बन जाता है. अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे, फिर और जो इसके मेथड्स हैं, इनकी विधियां हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे. तो मुझे लगता है इसको आप लिखोगे और हमेशा केमिस्ट्री को लिख लिख के करो, तभी आप याद कर पाओगे, नहीं तो ये भूल जाता है. शुक्रिया.